राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये जाली वाला डिज़ाइन बना के दिखाऊंगी। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में डाल लेना, जेंट स्वेटर में, जैकेट में, कहीं भी डाल लेना, सारी जगह अच्छा लगेगा। एक डिज़ाइन ये 8 सिलाई का बनेगा और 13 फंदे का बनेगा। अगर आपने 13 का बनाना 13 का बना लो, 14 का बनाना 14 का बना लो, 12 का बनाना 12 का बना लो। कम ज़्यादा आप इसमें फंदे कर सको हो। जो पहली सिलाई तो यहाँ शुरू कर रखा है, पहली सिलाई तो बना के दिखाऊंगी मैं आपको। दोनों कोने पे एक एक फंदा सिलाई का ले लिया। ये फंदा आप सीधा बनाना चाहो सीधा बना लो, उल्टा बनाना चाहो उल्टा बना लो, स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो। मैं उल्टा बना रही हूँ, सीधी सिलाई में भी उल्टा बनाऊँगी दोनों साइड का के फंदे ये, और उल्टी में भी उल्टा बनाऊँगी। अगर हम दोनों सिलाई में उल्टा बनावे हैं तो ये पल्ला हमारा किनारी पर तो मुड़ेगा नहीं। फिर अब आगे डिजाइन के फंदे आगे, एक दो, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, अब आगे दो फंदे ये उल्टे हो गए और 11 फंदे सीधे बनाने हैं। हमने जाली भी बनानी है और सीधे भी बनाने हैं। सीधे किस तरह बनाने हैं, पहले एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना देंगे यूँ करके, और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। जो यहाँ जाली बनी है वो जाली हमने यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ घटा देंगे हम साथ की साथ है। इसी सिलाई में बढ़ावेंगे और इसी में घटा देंगे। एक फंदा जाली तो बढ़ गया, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे का एक बना देंगे। दो फंदे घटा दिए हमने यहाँ, एक फंदा ये पीछे बढ़ाया जो जाली बना कर वो हो गया, एक फंदा आगे जाली बना देंगे। फिर पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर अपनी तरफ धागा करके एक जाली बना कर एक फंदा सीधा। अब ये 13 फंदे हो गए, दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा, एक जाली बना दी, फिर तीन फंदे सीधे, फिर तीन का एक, फिर तीन फंदे सीधे, एक जाली बना दी, फिर एक फंदा सीधा। अब ये जाली, ये वाली जाली बनाई है ये इस तरफ ये इस तरफ जाएगी, और ये वाली जाली जो बनाई है ये इस तरफ जाएगी। दोनों एक जगह मिलेंगे, देखो ये यहाँ मिल रही है, एक इस तरफ आ गई एक इस तरफ आ गई। अब एक डिजाइन हमारा 13 फंदे का पूरा हो गया। फिर आगे दूसरा डिजाइन, जिस तरह ये चलाया था, दो फंदे उल्टे, दो फंदे उल्टे पीछे धागा करके, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली बना कर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे का एक बना देंगे। जो तीन का एक बनाया है वो उल्टा फंदा बनाया हमने, फिर पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे, फिर जाली बना कर एक फंदा सीधा। अब ये दो डिजाइन हो गए यहाँ तक, दो डिजाइन 13-13 फंदे के हो गए, और ये दो फंदे हमने डिजाइन को सेट करने के लिए दो फंदे ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ये ज़्यादा इसलिए डाल रखे हैं, जैसे इस तरफ कोने पर भी दो फंदे उल्टे आ गए तो ये हम ज़्यादा डाल लेंगे, तो दो फंदे इस तरफ उल्टे आ गए। अगर ये डिजाइन ये दो नहीं डालेंगे तो ये डिजाइन इधर तक कोना पावेगा, तो दोनों बराबर बनाने के लिए दोनों कोने इस तरफ दो फंदे हमने ज़्यादा डाल लिए। फिर ये सिलाई वाला उल्टा। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई, ये वाला उल्टा बना देंगे, पीछे धागा करके जो उल्टे फंदे थे उनको सीधा बना देंगे दो को, फिर अपनी तरफ धागा करके 11 फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11। अब ये 13 फंदे हो गए कोने वाला छोड़ कर सिलाई वाला, दो फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे। अभी यह पूरी सिलाई चौथी सिलाई है, यूँ उतार लेंगे। उल्टी सिलाई सारी इस तरह उतरेंगी, दो फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई सारी यूँ उतरेंगे। अब आ गई पाँचवीं सिलाई, पाँचवीं सिलाई में किस तरह बनाना है देखो। पाँचवीं नहीं सॉरी तीसरी आई है, ये दूसरी सिलाई थी, अब तीसरी सिलाई है। अब तीसरी में देखो, एक
फंदा ये कोने वाला उल्टा हो गया, ये दोनों भी आगे उल्टे हो गए। फिर पीछे धागा करके एक फंदा ये सीधा बनाना है, एक ये जो जाली बनाई थी ये भी सीधा बनाना है। अब की बार हमने तीसरी सिलाई में ये दो फंदे सीधे बना लिए, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बनानी है यहाँ। अब की बार हमने पहले हमने एक जाली बनाई थी, एक फंदा सीधा एक जाली पहली सिलाई में, और तीन फंदे सीधे बनाए थे यहाँ। यहाँ बनाने हमने जाली बना कर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन का एक फेर कर देंगे। ये फंदा है जो इसके साथ है, पहली सिलाई में हमने तीन का एक करा था, एक इधर का मिला लेंगे, अब एक इधर का, अब भी हम तीन का एक कर देंगे। तीन का एक, दो फंदे यहाँ घटा दिए, एक ये बढ़ा दिया, एक यहाँ बढ़ा देंगे। पीछे धागा करके अब दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना के एक दो, दो फंदे सीधे। अब यहाँ जाली बना कर दो फंदे सीधे, यहाँ शुरुआत में दो फंदे सीधे बना कर फिर जाली बनाई। अब देखो यही 13 फंदे हमने आगे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे, जो मैं ये दो बना रही हूँ, आप इस जगह एक भी बना सको हो, उल्टा तीन भी बना सको हो। अब आगे एक दो, दो फंदे सीधे, फिर जाली बना कर दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन का एक, हर बार तीन का एक इसी जगह करना है। तीन का एक, फिर पीछे धागा करके दो फंदे सीधे, जाली बना कर फिर दो फंदे सीधे। पहली सिलाई में एक फंदा जाली बना कर एक फंदा सीधा, अब तीसरी में जाली बना कर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई चौथी सिलाई। अब चौथी सिलाई देखो, अब दिखने लग गया, जहाँ दो दो फंदे हमने इस तरफ उल्टे बनाए हैं, इस तरफ सीधे हो गए, दो सीधे 11 उल्टे, दो सीधे 11 उल्टे। अब ये चौथी सिलाई उतार लूँ मैं, फिर दिखाऊंगी आपको। अब आ गई पाँचवीं सिलाई। अब पाँचवीं सिलाई में कोने वाला उल्टा, फिर दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके अब पाँचवीं में तीन फंदे सीधे, फिर जाली बना कर अब की बार एक फंदा सीधा बना देंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन का एक कर देंगे, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर जाली बना कर तीन फंदे सीधे। अब ये 13 फंदे हो गए, यही 13 फंदे हमने आगे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, जाली बना कर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन का एक। जितने फंदे हम बढ़ा रहे हैं, इतने फंदे साथ साथ घटा रहे हैं। एक फंदा सीधा, फिर जाली बना कर तीन फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे और कोने वाला भी उल्टा। अब आ गई छठी सिलाई। छठी सिलाई भी हमें दो फंदे सीधे 11 फंदे उल्टे, उतार लूँ फिर दिखाऊँ। अब आ गई सातवीं सिलाई, देखो दिखने लग गया, बहुत सुंदर लगेगा ये डिजाइन। जैसे क्रीम रंग की कोटी में डाल ले, लेडीज कोटी में भी अच्छा लगेगा, जेंट्स स्वेटर हो कोटी हो सारी जगह अच्छा लगेगा ये। अब आ गई सातवीं सिलाई। अब सातवीं सिलाई में थोड़ा सा वो बनाना हमने। अब देखो एक दो तीन चार, अब चार फंदे आगे हमारे सीधे। अब यहाँ जाली बनानी हमने, अब एक फंदा इधर बचा है, एक इधर बचा है, ये बीच वाला है जिसके साथ हमने घटाना है। अब ये वाली जाली हमने सातवीं में किस तरह बनानी है, अपनी तरफ धागा कर लेंगे, ये उल्टे बनाने हमने तीन का एक, तो ये वाली जाली हम यूं लपेट कर बना लेंगे सातवीं सिलाई में। बाकी और जाली तो हमने अपनी तरफ धागा करके यूं बनाई थी यूं, और ये सातवीं सिलाई में जाली हमें अपनी तरफ धागा कर लिया, फिर लपेट कर जाली बना ली, तीन का एक कर दिया। और ये जाली हमने किस तरह बनानी, देखो अपनी तरफ धागा है यूं बनानी है, ये वाली जाली लपेट कर बनानी है इस तरफ वाली। फिर आगे ये चार फंदे बने हैं, जाली बना कर चार फंदे ये सीधे। अब ये 13 फंदे हो गए, यही 13 फंदे हमने आगे बनाने हैं। दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके लपेट के जाली बना ली, तीन का एक। अब यहाँ हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए हैं, तो एक डिजाइन हमारा पूरा हो गया। ये सातवीं सिलाई है, ये सातवीं सिलाई में सारे फंदे देखो, एक ये जाली इधर ता गई, एक जाली इधर ता गई, जाली बना कर चार फंदे सीधे,
फिर दो फंदे उल्टे, कोण वाला फंदा उल्टा। अब ये सात सिलाई होगी, अब आ गई आठवीं सिलाई। अब आठवीं सिलाई में फिर हमने दो फंदे सीधे, ग्यारह फंदे उल्टे, आठवीं सिलाई इस तरह बना लूँ, फिर दिखाऊंगी। देखो ये आठ सिलाई होगी और एक डिजाइन हमारा पूरा हो गया। अब ये पहली सिलाई तो हमने फिर शुरू करना है, यही आठ सिलाई हमने बार बार बनानी है तो ऐसा डिजाइन बनेगा। कई बहना जाली वाला डिजाइन बनावे हैं, तो देखो इस तरह बनेगा डिजाइन।